इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें एक तरफ यमन का हूती तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में कई पश्चिमी देश और अरब देशों की सेनाएं खड़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद हूती के हमले मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर रुक नहीं रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, लेकिन उन हमलों का हूती पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। उल्टा लाल सागर में इस संघर्ष से नेटो देशों और अमेरिका की समुद्री ताकत की हवा निकल गई है। एक तरफ जहां हूती ईरान में बने या ईरान के हथियारों की कॉपी करके बनाए गए सस्ते हथियारों से अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को हूती के हमलों को रोकने के लिए करोड़ों डॉलर के हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, और ये हथियार भी हूती के सस्ते हथियारों के आगे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। हूती के इन हमलों से एक बात तो साफ हो गई है कि पश्चिम की सेना नौसैनिक स्तर पर उतनी ताकतवर नहीं है जितना वो दावा करती है। हूती पश्चिमी देशों के जहाजों के खिलाफ सस्ते ड्रोन्स, मिसाइलें और रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो सटीक टारगेट पर भी लग रहे हैं। यहां तक कि हूती की सस्ती मिसाइल ने ब्रिटेन के बल्क कैरियर को भी डुबो दिया था, और ब्रिटेन का एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। इसके अलावा हूती ने सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर अमेरिका के एक खुफिया सैन्य अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो सटीक टारगेट पर लगी थी, जिसमें अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ था। वहीं हूती के इन हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं RIM-116, RIM-66, RIM-174, RIM-162 और RIM-161 जैसे महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी बात यह है कि प्रत्येक इंटरसेप्टर एक विशेष हथियार के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी रक्षा और सैन्य औद्योगिक विभाग के मुताबिक RIM-116 की कीमत $9 लाख से ऊपर है, RIM-66 की कीमत $21 लाख के करीब है, RIM-174 की कीमत $39 लाख के ऊपर है, RIM-162 की कीमत $20 लाख से ज्यादा है, RIM-161 ब्लॉक 1B की कीमत $96 लाख से कहीं ज्यादा है, RIM-161 ब्लॉक 2A की कीमत $2.80 करोड़ के आसपास है। लेकिन हूती के खिलाफ इतने महंगे हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद पश्चिम के हथियार अपने टारगेट को भेदने में कई बार विफल रहे हैं। यहां तक कि लाल सागर में जर्मनी के हेसन फ्रिगेट युद्धपोत ने हूती के ड्रोन की गलत पहचान करते हुए 2 मिसाइलें फायर की थीं, जो उल्टा अमेरिका के $42 करोड़ के एक MQ-9 रीपर ड्रोन के पास करीब करीब फटने वाली थी। जर्मनी के युद्धपोत ने अमेरिका के इस ड्रोन पर 2 SM-2S मिसाइलें फायर की थीं। वहीं दूसरी तरफ हूती ने भी इस ड्रोन के ऊपर मिसाइलें दागी थीं, जो इसे उड़ाने में कामयाब रही थी। हूती ने अमेरिका के इस ड्रोन को यमन के होदेदा बंदरगाह शहर के करीब उड़ा दिया था। मालूम हो कि हूती ने ये कारनामा एक बेहद ही सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस घटना से ये साफ हो जाता है कि लाल सागर में अमेरिकी सेना उतनी कारगर साबित नहीं हुई है। वहीं जर्मनी ने भी अमेरिका के इस ड्रोन पर गलती से 2 मिसाइलें फायर की थी, जो लगभग इसे उड़ाने ही वाली थी, लेकिन जर्मनी का निशाना लगने से पहले ही हूती के मिसाइल ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। आपको बता दें कि हूती के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी करके बनाए गए सकार 2 और 358 जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। हूती का सकार 2 एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इसे धीमी गति से चलने वाले टारगेट पर भी करीब से दागा जा सकता है।